dang, dang. सुनो घंटी बजता रे, सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको। हेलो स्टूडेंट्स, महादेव हर। हमारी YouTube चैनल योगीराज योगी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बदल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट सॉल्यूशन। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आपको तो पता ही होगा कि ये पेपर टोटल 25 मार्क्स का होता है। जिसे देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, डू एज डायरेक्टेड। उसमें पहला क्वेश्चन है, एड ए बी माइनस बी सी इंटू बी सी माइनस सी ए। यानी कि आपको यहाँ पे एडिशन करना है और इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो है वो लिख देंगे कि ए बी माइनस बी सी। अब हमें उसमें एडिशन करना है तो हम प्लस लिखेंगे और बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर आएगा ए बी माइनस सी ए। और अगर हम इन दोनों में से ए को कॉमन निकाल ले बाहर, तो ए हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस सी। तो आप यहाँ पे ये दो तरीकों से आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन टू, सब्स्ट्रेक्ट 3x² माइनस 2x प्लस 5xy माइनस 7 फ्रॉम 8 माइनस 9xy प्लस 3x² माइनस 5x। यहाँ पे आपको सब्स्ट्रेक्ट यानी कि उसमें से आपको निकालना है, उसे बात करना है। तो यहाँ पे हम पहला लिखेंगे 8 माइनस 9xy प्लस 3x² माइनस 5x। यहाँ पे हमें सब्स्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम माइनस लिखेंगे। बाद में लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 5xy माइनस 7। तो यहाँ पे वो सभी के जो माइनस प्लस है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस दिया गया हुआ है। तो 8 माइनस 9xy प्लस 3x² माइनस 5x, वहाँ तक तो वैसे ही रहेगा। अब बाहर माइनस दिया गया है तो अंदर जो है वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5xy प्लस 7। यहाँ पे माइनस 3x² और प्लस 3x² यानी कि कैंसिल हो जाएगा और फिर 8 प्लस 7 15 होगा और माइनस 9xy माइनस 5xy यानी कि यहाँ पे उन दोनों का माइनस माइनस, इसलिए एडिशन होगा और होगा 14xy और माइनस 3x। तो आंसर हम सभी जो है उसको लाइन में लिख लेते हैं, तो माइनस 3x माइनस 14xy प्लस 15। आफ्टर देन क्वेश्चन टू, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो इसका 2 मार्क्स है। तो यहाँ पे दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 7 यानी कि x प्लस 7 स्क्वेयर होगा। तो उसका क्या आएगा, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 7 प्लस 7 स्क्वेयर। तो x² प्लस 14x प्लस 49, ये हो गया आपका आंसर। आफ्टर देन फोर्थ क्वेश्चन इज 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 8। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x² प्लस 1 माइनस 8 इंटू 3x प्लस 1 इंटू माइनस 8। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x² यानी कि 9x² माइनस 7 इंटू 3x प्लस माइनस 8। तो उसका आंसर क्या आएगा, 9x² माइनस 21x माइनस 8। आफ्टर देन क्वेश्चन 3, सॉल्व द सम। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल्स। तो यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है, एक डायगोनल दिया गया है और दूसरा डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं एरिया हमें कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर, D1 8 सेंटीमीटर एंड D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पे हमें एरिया का जो वैल्यू दिया गया है वो पुट डाउन करेंगे, तो 120 इज इक्वल टू 1/2, D1 हमें दिया गया है 8 और D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम 2 × 4 = 8 होगा, तो अब वो 4 है वो, और अगर हम D2 हमें फाइंड आउट करना है तो 4 है वो 120 / 4 हो जाएगा, तो वहाँ पे होगा
34 जा 120, यानी कि डी टू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सिक्स क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ द ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सेप्ट फील्ड इज 24 मीटर एंड द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल्स आर 8 मीटर एंड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। यहाँ पे हमें फाइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि ए बी सी डी, हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है ए बी सी डी, तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी डी, यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला पहले पुट करते हैं। तो 1 बाई टू इंटू बी डी इंटू ए एम प्लस 1 बाई टू इंटू बी डी इंटू सी एन। अब यहाँ पे हम उसके वैल्यू पुट डाउन करेंगे, तो 1 बाई टू इंटू 24 इंटू 13 प्लस 1 बाई टू इंटू 24 इंटू 8, यहाँ पे 12 टू जा 24 होगा पहले में, उसके बाद भी वही होगा 12 टू जा 24, तो यहाँ पे 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 8। अब 12 इंटू 13 करेंगे तो 156 आएगा और 12 एट जा आएगा 96, दोनों का एडिशन करेंगे तो आएगा 252 मीटर स्क्वेयर। After then question 4, answer the following question. 7th question है, find the numbers of faces, edges and verticals of pyramid with the square base, verify Euler's formula for it. इस question के 5 marks है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पिरामिड ड्रॉ किया हुआ है विद द स्क्वेयर बेस, तो यहाँ पे उसके फेसेस होगी 5, verticals होंगे 5 और edges होंगी 8, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो एफ प्लस वी माइनस एफ इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम एल एच एस और आर एच एस करके देखेंगे, तो एल एच एस इज इक्वल टू 5 एफ प्लस वी माइनस एफ, यानी कि 5 प्लस 5 माइनस 8, तो यहाँ पे 10 माइनस 8 आएगा तो क्या आएगा 2, कि जो हमारे आर एच एस के बराबर हो गया है, इसलिए यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन 5, डू एज डायरेक्टेड। If the length of a cube is 2 cm, then find the surface area of the cube. हमें यहाँ पे length दिया गया है 2 cm और हमें area find out करना है. तो total surface area of cube 6L square, यहाँ पे हम formula लिखेंगे. तो यहाँ पे L हमें 2 दिया गया है, इसलिए 2 square. तो 2 square क्या होगा? 4. तो 6 into 4, यानी कि 24 cm square. After then, the length of cuboid is 6 cm with 3 cm and height 1 cm, then find the volume of cuboid. यहाँ पे हमें length, width और height दी गई हुई है और हमें cuboid का volume find out करना है, तो यहाँ पे हम पहले formula लिखेंगे, volume of cuboid is equal to L into B into H. यहाँ पे हम तीनों की value लिखेंगे, 6 into 3 into 1, 6 3 जा 18 cm cube, तो ये हो गया हमारा answer. If the radius of a cylinder is 14 cm and the height is 5 cm, then find the volume of this cylinder. यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शोधना फाइंड आउट करना है, तो हम पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब हम उसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे, तो 22 बाई 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 5, तो 7 टू ज़ा 14 होगा, तो 22 इंटू 14 इंटू 10, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। वी होप हमने जो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन आउट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।